देखिए फ्रेंड्स, मैंने थेपले को रुमाल के समान फोल्ड किया। उसका सॉफ्टनेस कितना बढ़िया है और शेप भी बरकरार। आज हम एक ऐसी सीक्रेट तरीके से थेपला बनाएंगे कि वो सॉफ्ट भी बनेगा, वो भी बिना पानी के। तो चलिए फ्रेंड, झटपट शुरू करते बनाना गुजराती थेपला। हाय, मैं हूँ दीपा, निर्मल क्रिएशंस में आपका स्वागत है। सबसे पहले मैंने मेथी और लौकी 200-200 ग्राम ली है। मेथी को धो लिया है और बारीक काट लिया है, और लौकी को मैंने कद्दूकस कर लिया है। उसमें अजवाइन और तिल मैंने 2 चम्मच जितनी ली है। अजवाइन को हमें थोड़ा सा हाथों पर मसल कर डालना है ताकि उसका स्वाद गहरा उतरे। आप चाहो तो तिल और अजवाइन थोड़ा कम डाल सकते हो। मुझे ज़्यादा पसंद है तो मैंने ये दोनों चीज़ ज़्यादा डाली है। मैंने 9 से 10 लहसुन और हरी मिर्च पीस ली है। आप चाहो तो इसे थोड़ा कम कर सकते हो। फिर हल्दी मैंने उसमें डाली है, और अभी हम डालेंगे इसमें नमक स्वाद अनुसार। फिर डालेंगे हम हरा धनिया 1/4 कप जितना। अमचूर पाउडर डालेंगे 1/2 टीस्पून, और पीसी हुई शक्कर डालेंगे 1/2 टीस्पून। कोई लोग इसमें दही भी डालते हैं, इमली भी डालते हैं, तो आप अपने हिसाब से उसमें थोड़े चेंजेस कर सकते हैं। अब इसमें अपना सीक्रेट इंग्रेडिएंट है घी। हम 4 टीस्पून जितना इसमें मेल्टेड घी डालेंगे। घी और दूधी के लौकी के वजह से हमारे थेपले बहुत स्वादिष्ट और नरम बनेंगे। अभी हमें सब कुछ अच्छे से मिक्स कर लेना है। सभी चीज़ मिक्स होने के बाद में इसमें हम आटा मिलाते जाएंगे। मैंने गेहूं का आटा लिया है। अभी 2 कटोरी मैं इसमें मिक्स करूंगी, फिर ज़्यादा लगा तो और उसमें ऐड करूंगी। हमें अच्छे से मिलाते रहना है, पानी बिल्कुल यूज़ करना नहीं है, तो वो हिसाब से हम आटा लेंगे। आटा हम सख्त ही लगाएंगे क्योंकि दूधी होने के लौकी होने के वजह से ये थोड़ा सा फिर से सॉफ्ट हो ही जाएगा। अब इसमें और थोड़ा सा आटा आ सकता है, तो हम इसमें और 1/2 कटोरी जितना आटा मिला लेते हैं, तभी इसका एक सख्त डो बनेगा। फ्रेंड्स, आप लोगों से एक निवेदन है कि यदि आपने अभी तक मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए और ऑल बटन भी प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरे सभी नोटिफिकेशंस मिलते रहें। देखिए, हमारा आटा लग गया है। अभी थोड़ा तेल लगाकर उसे हम मसल लेते हैं और 5-7 मिनट के लिए उसे सेट होने देते हैं। चलिए अब बनाते हैं थेपला। मैंने एक लोई ली, पूरी से थोड़े बड़े साइज की। अभी हम उसको बेलेंगे। जितना थिकनेस पूरी का होता है वैसा ही थेपले का रहेगा। ज़्यादा पतली करेंगे तो वो कड़क हो जाती है, इसलिए पूरी का थिकनेस पर साइज जो है पूरी से थोड़ा सा बड़ा। अब हमने इसमें मेथी की भाजी डाली है तो परफेक्ट गोल शेप तो आने से रहा। तब हम ट्रिक यूज़ करेंगे। जैसे हम बेलते जाएंगे इसके किनारे थोड़े से अंदर डालते जाएंगे तो ऑटोमेटिकली हमको एक गोल शेप मिल जाएगा। देखिए, हमारा थेपला बेलकर तैयार हो गया है। इसका थिकनेस, इसका साइज देख लीजिए। अभी हम इसे सेकेंगे। इसको सेकने का भी एक ट्रिक होता है। सबसे पहले हम स्लो पर एक साइड होने देते हैं, फिर उसको पलटाने के पहले उसको हम लगाते हैं तेल या घी, जो भी आपको लगाना है। फिर उसको फ्लिप करते हैं और गैस को हाई करते हैं तो ऑटोमेटिकली ये अच्छे से फ्राई हो जाता है और घी भी हमारा खूब ज़्यादा यूज़ नहीं होता, और हमारा थेपला भी बहुत अच्छे से सिक जाता है। आप देख सकते हैं कि कितना बढ़िया गोल्डन ब्राउन कलर का थेपला हो गया है। अभी देखिए,
हम इसी तरह से सभी थेपले बेल लेते हैं और फ्राई कर लेते हैं। फ्रेंड्स, हमने जो ये आटे का, मेथी और लौकी का प्रपोर्शन दिया है, उसमें एटलीस्ट 15-17 थेपले बन जाते हैं। अभी मैंने 5-6 जितने थेपले बना लिए हैं। अभी हम करते हैं इसे सर्व। मैं इसे दही की चटनी और अचार के साथ में सर्व करूंगी। और हम गुजरातीज तो थेपले चाय के साथ खाना भी बहुत पसंद करते हैं। हमें यदि आप ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर में भी थेपले देंगे तो हम खुशी खुशी खा लेंगे। हमारे यहाँ इमरजेंसी में भी आपको थेपले का आटा तो फ्रिज में मिलेगा ही। आशा है आपको मेरी ये इनोवेटिव सॉफ्ट थेपले की रेसिपी अच्छी लगी होगी। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए फ्रेंड्स। फिर मिलते हैं एक नई और इजी रेसिपी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।